अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिस्टोलॉजी में एपिथीलियम, राइट। अब एपिथीलियम के लिए उसकी बेसिक होनी चाहिए कि वो होता क्या है। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर फोर टाइप्स के सेल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक। फर्स्ट एपिथीलियल, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो फर्स्ट आज हम क्या करेंगे, एपिथीलियल टिश्यूज़, ठीक। तो एपिथीलियल टिश्यूज़ के लिए हमें उसकी बेसिक को जानना चाहिए कि वो होता क्या है। बेसिकली टिश्यू होता क्या है कि जहाँ पर कलेक्शन ऑफ सेल्स हो, राइट। जहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल्स होगी उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यूज, ठीक। और उस सेल्स के बीच में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो ये होते हैं, एक एग्रीगेशन ऑफ होती है सेल्स की, जिसके बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नाउ जो एपिथीलियम है वो इस तरह से होती है कि पहले नीचे से एक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जो इसके साथ जो है एपिथीलियम कनेक्टेड होती है। एपिथीलियम का क्या मतलब है, एपी का मतलब है ऊपर से, ठीक है। जिस तरह से हमारी स्किन होती है, तो इसी तरह अगर हम टिश्यू की बात करें तो उसकी स्किन के लिए या किसी चीज़ के लिए जो ऊपर उसके सरफेस पर होगी उसको हम कहेंगे एपिथीलियम, राइट। तो इसके जो नीचे होगी वो होगी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। अब जो ये बीच में होगी इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर कनेक्टिव जो एपिथीलियम है वो लगी हुई होती है, ठीक। तो ये जो वाइट कलर में है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंड दिस इज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक। ऊपर से क्या होगी, एपिथीलियम। अब जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर होगी वो क्या होगी, वैस्क्यूलर होगी, और ये जो बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन वो है एवैस्क्यूलर। तो जो एपिथीलियम है उसके अंदर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड वेसल्स किस तरह से जाएंगे, ब्लड की ट्रांसपोर्ट किस तरह होगी, डिफ्यूजन के थ्रू होगी, क्योंकि बीच में जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एवैस्क्यूलर है। तो इसका मतलब है कि वो बीच में बैरियर है, तो इस बैरियर को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूजन होगी, जिसके थ्रू जो है यहाँ पर एपिथीलियम के अंदर जो है ब्लड सप्लाई जाएगी या जो ट्रांसपोर्ट हो रही होगी तो वो इस तरह से होगी, ठीक। तो कनेक्टिव टिश्यू जब जो नीचे वाली लेयर होती है बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द अपर सरफेस पे जो होगी वो होती है एपिथीलियम लेयर, ठीक। नाउ एपिथीलियम जो है वो मेनली टू टाइप्स की होती है, एक होती है ग्लैंडुलर एंड अदर वन इज कवरिंग एपिथीलियम। तो ग्लैंडुलर का जो मतलब है, उसका मतलब है कि वो कुछ ऐसी एपिथीलियम होती है जो कि सीक्रेट करती है सब्सटेंस को, ठीक। तो वो कुछ इस तरह से जो है फ्लूइड सीक्रेट करती है, जो कि हमारे प्लाज्मा के साथ फ्लूइड चलता रहता है और वो दूसरों को जाके पहुँचता है। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं एक सीक्रेशन वाला, एक्सक्रीशन। अब सीक्रेशन में जिस तरह से हमने ग्लैंड्स पढ़े हैं, तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, उसमें से सब्सटेंस या हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट होते हैं। तो वो क्या होते हैं, इस तरह की जो होती है एपिथीलियम उसको हम कहेंगे ग्लैंडुलर, जिसमें से सीक्रेशन या एक्सक्रीशन, जिस तरह से स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में स्किन के ऊपर, तो वहाँ पर भी क्या होती है, एपिथीलियम होती है जो कि सीक्रेट करती है स्वेट ग्लैंड्स को, ठीक। और होती है सीक्रेशन, जिस तरह से ग्लैंड्स होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं, तो वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स और वो हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। एंड अदर वन इज़ कवरिंग एपिथीलियम। कवरिंग एपिथीलियम का मतलब है कि जिस तरह से वो एपिथीलियम जो हमारी आउटर जो सरफेस है उसको कवर करे, या कि हमारी बॉडी के अंदर जो विसरा मौजूद हैं या जो लाइनिंग्स हैं, जिस तरह से ईसोफेगस है या डिफरेंट जो लाइनिंग्स हैं उनको, जो ट्यूब्स हैं उनको कवर करती है एक्सटर्नली, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, कवरिंग एपिथीलियम। लाइक वो कवर कर रही होती है चीज़ों को। अब जो कवरिंग एपिथीलियम है उसके अंदर हमारे पास दो मेन जो है इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, एक होते हैं सिंपल और दूसरा होती है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का क्या मतलब है, सिंपल का मतलब है कि अगर लेयर है कोई, जिस तरह से सिंगल लेयर है। अब ये देखें, ये समझें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये सेल्स हैं, तो ये सेल्स की क्या है, एक सिंगल लेयर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल, इसको सिंपल एपिथीलियम। ये है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है, यहाँ पे सिंगल लेयर थी, यहाँ पे जो है मल्टी लेयर हो सकती है, बाय लेयर। तो ये जो है स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि वो एक से ज़्यादा हो, तो जो एक होगी उसको कहेंगे हम सिंपल एपिथीलियम, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि उसमें सेल्स जो हैं वो लेयर्स में है, मतलब कि मल्टी लेयर हो सकते हैं या बाय लेयर हो सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये कुछ टर्म्स आती हैं जिसको हम कहते हैं स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अब स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर अगर फ्लेट सेल्स लगे होंगे, ये समझें कि ये फ्लेट सेल्स हैं,
फ्लैट सेल्स की लेयर होगी, एक लेयर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब कि ये फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वैमस। अगर क्यूबॉइडल है तो इसका मतलब क्या है कि क्यूब्स की तरह एक सेल्स होंगे, जिस तरह क्यूब्स होते हैं तो ये इस क्यूब की लेयर होगी जिसको हम कहते हैं क्यूबॉइडल। ठीक, कॉलमनर का मतलब क्या है कि वो एक कॉलम्स की तरह होंगे, मतलब कि वो लॉन्ग होंगे, ठीक है, इस तरह से अगर लॉन्ग होंगे तो उनको हम कहेंगे कॉलमनर। अब देखिए हमारे पास इजी हो जाएगा इनको बनाने के लिए, इनकी कितनी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक, तो अब होता है स्क्वैमस, मतलब कि फ्लेट जो लेयर्स, फ्लेट सेल्स हैं उनकी लेयर होगी। अब उसमें एक सिंगल होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, ठीक है, इजी हो गया। मतलब सिंपल का मतलब क्या है कि उसमें एक लेयर है सेल्स की, स्क्वैमस का मतलब क्या है कि उसमें फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है, फ्लैट का मतलब है यूँ, इस तरह से फ्लैट सेल्स हैं, एपिथीलियम का मतलब है वो हमने एक टाइप बना दिया एपिथीलियम, राइट। अब उसके बाद आते हैं हमारे क्यूबॉइडल पे, अब अगर एक लेयर होगी क्यूबॉइडल सेल्स की उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल, ठीक है, क्यूबॉइडल की अगर सिंपल एक लेयर होगी उसको क्या कहेंगे हम, सिंपल क्यूब्स की तरह के सेल्स हैं तो हम क्या कहेंगे, इस क्यूबॉइडल एपिथीलियम, राइट। उसके बाद आता है कॉलमनर, कॉलमनर में अगर वो सिंपल है मतलब कि एक लेयर वाले हैं तो उनको हम कहेंगे सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम। अगर हम इनको स्ट्रेटिफाइड कहें तो स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक फ्लैट सेल्स हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर भी आ जाएगी, मतलब कि मल्टी लेयर्ड होगा, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड। फिर हम यहाँ पे इसको हटा के यहाँ क्या करेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, या क्यूब्स में होंगे तो क्यूब्स वाली लेयर्स हम बनाएंगे, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, इस तरह से अगर लेयर्स में होगा तो क्या कहेंगे हम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि उसमें मल्टी लेयर्ड हैं और क्यूब टाइप के सेल्स हैं, ठीक। उसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि स्ट्रेटिफाइड हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पे लेयर्स बन रही हैं, किस कौन से सेल्स हैं, कॉलमनर सेल्स, कॉलम्स की तरह, मतलब कि वो लार्ज सेल्स हैं एपिथीलियम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई कुछ टाइप्स, आ गई मतलब सिक्स टाइप हो गई, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर और सिंपल कॉलमनर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की टाइप्स आ गई। उसके बाद एपिथीलियम में आपको याद क्या करना होता है, इनके एग्जांपल्स, ठीक है, जो हमारे पास अगर सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये इन सब के हमें एग्जांपल्स याद करने होते हैं कि वो किस किस जगह पे प्रेजेंट होती है, राइट। उसके बाद आती है हमारे पास एक और तरह की एपिथीलियम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। अब सूडो का क्या मतलब होता है, सूडो का मतलब हमें पता है कि फॉल्स होता है, ठीक, फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर कुछ जो है बड़े सेल्स होंगे, कुछ छोटे सेल्स होंगे, इस तरह की एक अरेंजमेंट होगी, जो कॉलमनर इसमें सेल्स होते हैं वो कुछ छोटे होंगे, कॉलमनर बड़े होंगे, तो ये एक कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथीलियम होगी। बट उसमें क्या होंगे, कुछ बड़े सेल्स होंगे और जिनका न्यूक्लियस जो है ऊपर होगा और कुछ नीचे होंगे, तो इसकी अपीयरेंस जो है वो कुछ इस तरह से होगी कि वो हमें लगेगा कि वो स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। बट हालांकि वो होती क्या है, सिंपल होती है, मतलब कि उसमें एक सिंगल लेयर ही होती है, लेकिन उसमें क्या है, अपीयरेंस कुछ इस तरह होती है कि हमें लगता है कि ये फॉल्स जो है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, ठीक है। सूडो का मतलब है ये फॉल्स है, मतलब क्या होगा कि इसमें होती होगी एक ही लेयर होगी, लेकिन वो हमें अपीयर इस तरह से होगी कि हमें लगेगा कि वो स्ट्रेटिफाइड है, मतलब कि वो लेयर्ड है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, ठीक। और दूसरी हमारे पास होती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम का क्या मतलब है कि अगर जिस तरह से हमारा यूरिनरी सिस्टम है, जहाँ पे हमारा यूरिन जो है वो उसमें स्टोर होता है, ठीक है, जब वो स्टोर होता है तो क्या होता है कि वो पहले छोटा होता है एक एरिया, फिर वो जब वहाँ पे यूरिन स्टोर होने लगता है तो वो वहाँ से उसको स्ट्रेच कर देता है, और वो स्ट्रेच हो गया थोड़ा उसको एरिया दे देता है कि ताकि वहाँ पे स्टोर हो सके यूरिन हमारा, ठीक है। तो ये इस तरह से कि एपिथीलियम को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, जो कि
ट्रांजिशन अपनी कर सके। पहले क्या होते हैं उसमें लेयर होती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल की, ठीक है। जब वहाँ पे अगर रिटेंशन शुरू होना शुरू करती है या स्ट्रेच होना शुरू करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, मीन्स के वहाँ पे फ्लेट सेल्स हो जाते हैं, ठीक। पहले क्यूबॉइडल होते हैं फिर वो फ्लेट सेल्स बन जाते हैं, तो इस तरह की एपिथेलियम को हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम के। वो अगर नॉर्मली हम उसको देखें तो वहाँ पे होगी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल लेयर होगी। अगर फिर वहाँ पे स्टोर होने लगेगा यूरिन या इस तरह की जो चीज़ें तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो आपको इसका एग्जांपल पता चल गया होगा कि ये हमारे कहाँ पे शुरू होती है, यूरिनरी सिस्टम में होती है। यूरिनरी सिस्टम में कहाँ पे, जहाँ पे हमारा जो है यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एपिथेलियम की टाइप्स। अब ये वीटर बुक में एक चार्ट दिया गया है जिसमें पूरे इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब स्क्वैमस एपिथेलियम, अब स्क्वैमस में सिंपल आ जाते हैं कि सिंपल सेल होंगी, स्ट्रेटिफाइड होगी, लेयर्ड होगी। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड केरेटिनाइजिंग, मीन्स के वहाँ पे होगी केरेटिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इस तरह के इसकी टाइप्स हैं, क्यूबॉइडल, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये जो है सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। अब इनकी साइड्स क्या हैं, स्क्वैमस सिंपल स्क्वैमस कहाँ पे होगी, हमारी लंग वेसल्स, अल्वेलाई ऑफ लंग, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ये तीन जगह आप याद कर लें, हो जाएगा आपका एग्जाम। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहाँ प्रेजेंट होगी, लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी, एपिग्लोटिस, ईसोफेगस, एनस, मतलब कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं वहाँ पे ये जो है स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड प्रेजेंट होगी। केराटिनाइजिंग, हमें पता है कि केराटिन प्रोटीन हमारी स्किन के अंदर होती है, तो वो सिंपल स्क्वैमस जो है वो हमारी वहाँ पे होगी स्किन के अंदर। क्यूबॉइडल, अब क्यूबॉइडल में सिंपल होती है, मतलब कि एक लेयर वाले, वो कहाँ पे होगी, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स ऑफ किडनी पे या रेटिटेस्टिस जो है पे, आप कलेक्टिंग डक्ट ऑफ ट्यूबुल्स याद कर लें, ठीक है। क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड कहाँ पे होगी, लार्जर डक्ट्स ऑफ एंडो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे होंगी। कॉलमनर में सिंपल कॉलमनर कहाँ पे होगी, गॉल ब्लैडर, कलेक्टिंग डक्ट और, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग नोज और साइनसिस, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होगी, सिंपल सीलिएटेड, मतलब कि क्या होंगे, इसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसकी क्या है स्पेशलिटी, क्या है इसके अंदर, सीलिया प्रेजेंट होंगे, वो कहाँ पे होंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ट्रांजिशनल मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशनल कहाँ पे होंगी, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में, ठीक। ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर में जहाँ पे ग्लैंड्स निकलते हैं उसके अंदर कॉलोन आ जाता है, स्टमक और ये और बस, ठीक है। तो ये इस तरह की इनकी साइड्स हैं, आप इनको थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेंगे तो ये आपका पेपर एटलीस्ट निकल जाएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एपिथेलियम। थैंक यू, वॉच माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो लगाऊँ आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।